पर टेस्ट सीरीज में बढ़त बनाने के लिए इंडियन टीम जीत की तैयारी में जुट गई है। 24 तारीख से अहमदाबाद में तीसरा टेस्ट शुरू हो रहा है। विराट कोहली समेत टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने जिम में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की। परसों अहमदाबाद पहुंचने के बाद आज नेक्स्ट में भी पहली बार टीम इंडिया के खिलाड़ी उतरे और पिंक बॉल से तालमेल बिठाते दिखे। पिंक बॉल से भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट डे नाइट होना है। भारत ने पिछला टेस्ट 317 रन से जीतकर चार टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर की है। अहमदाबाद में इंग्लैंड कभी टेस्ट नहीं जीता है, लेकिन फिर भी चुनौती बड़ी है क्योंकि पिंक बॉल से बल्लेबाजी मुश्किल होती है। वजह है गेंद ज्यादा सीम होती है। भारत ने पिंक बॉल से दो टेस्ट खेले हैं, एक जीता है और एक में उसे हार मिली है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत पिंक बॉल टेस्ट हारा था, जब पूरी टीम 36 रन पर आउट हो गई थी। इंग्लैंड की बात करें तो उन्होंने पिंक बॉल से तीन टेस्ट खेले हैं, एक मैच जीता है और दो मैच हारे हैं। चलिए वहां क्रिकेट में अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, जहां पर ईशान किशन की एक पारी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। क्या है देखिए हमारा अगला सेगमेंट सिक्सर। झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार शतक लगाया। ईशान के शतक के दम पर झारखंड ने सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल मैदान पर जितना लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए सुर्खियों में रहते हैं, उतने ही अपने डांस और गानों के लिए भी छाए रहते हैं। फिलहाल क्रिस गेल पाकिस्तान में PSL खेलने की तैयारी में। हाल ही में अबुधाबी में हुए T10 लीग में गेल ने 12 गेंदों पर अर्धशतक जमाया है। T20 के यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की तो आपने कहानी सुनी, अब हम बात कर लेते हैं T20 के लेटेस्ट एंट्रेंट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं चेतेश्वर पुजारा की। अब 7 साल के बाद IPL में उन्होंने वापसी करी है, लेकिन फिर भी पुजारा को काफी टेंशन है, क्यों देखिए हमारा अगला सेगमेंट क्लीन बोल्ट। IPL के कारण चेतेश्वर पुजारा के सामने अब एक नई चुनौती आ गई है, क्योंकि IPL के आखिरी मैचों का टकराव इंग्लिश काउंटी से हो रहा है। हालांकि चेन्नई की टीम ने पुजारा से कहा है कि वो अगर चाहे तो इंग्लिश काउंटी से जुड़ सकते हैं। 2014 में IPL से बाहर होने के बाद पुजारा लगातार इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। 2018 से पुजारा यॉर्कशायर की टीम के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। चेन्नई की तरफ से पुजारा को छूट मिलने का कारण है अगस्त में भारत का इंग्लैंड दौरा। चेन्नई की टीम चाहती है कि पुजारा काउंटी का अनुभव लेकर इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करे। पाकिस्तान की क्रिकेट लीग PSL आज से शुरू हो रही है, लेकिन लीग शुरू होने से पहले एक बुरी खबर आई है। 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं बताया है कि ये 2 खिलाड़ी कौन हैं। PSL में 6 टीमें खेल रही हैं। PSL के मैच कराची और लाहौर में होंगे। कोरोना काल में 20% दर्शकों को स्टेडियम में आने की इमरान सरकार ने अनुमति दी है। 22 मार्च को PSL का फाइनल होगा। आज PSL में पहला मैच कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच होगा। पाकिस्तान ने IPL की तर्ज पर PSL लीग शुरू की थी। पिछले साल जीतने वाली टीम कराची किंग्स को 3.72 करोड़ रुपए मिले थे, वहीं IPL की टीम को 20 करोड़ रुपए मिले थे 2020 में। फिलहाल वाह क्रिकेट के आज के बुलेटिन में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।